जय हिंद, वेलकम टू लायन टेक्निकल हब। लायन टेक्निकल हब में आपका स्वागत है। आई एम लायन सर, हैविंग 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री एंड टुडे विल लर्न अबाउट सिंक्रोनस मोटर। हम ये भी जानेंगे कि सिंक्रोनस मोटर जो है काम कैसे करता है और इसमें जो है कि कहां कहां पर सप्लाई देते हैं और इसमें किस तरह का जो है रोटर यूज करते हैं और इफ पावर फैक्टर को कैसे इम्प्रूव करता है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो इससे पहले दोस्तों, जो लोग अभी तक हमारे इस चैनल को पहली बार जो है देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जो है टेक्निकल वीडियोस आपको इमीडिएट, जैसे ही मैं बना करके लोड करूं, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसका जो है फायदा उठा पाए, राइट। तो आइए शुरू करते हैं सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर बेसिकली इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्टेटर और दूसरा होता है रोटर। तो स्टेटर और रोटर, इसको डबली सप्लाइड भी बोलते हैं, मोटर बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम दोनों को सप्लाई देते हैं, यानी स्टेटर को जो है थ्री फेज एसी देते हैं और रोटर जो है उसको हम डीसी सप्लाई देते हैं, राइट। और सिंक्रोनस मोटर जो है सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होता है, इसलिए इसको क्या है, स्टार्ट करने के लिए हमें एक प्राइम मूवर की जरूरत पड़ती है। आइए हम डायग्राम में देख लेते हैं। ये आपका स्टेटर है जो थ्री फेज स्टार कनेक्टेड है और यहाँ पर जो है थ्री फेज सप्लाई हमने दिखाया हुआ है, आर वाई बी यहाँ पे फेज है। तो ये आपका है स्टेटर एंड दिस इज रोटर। रोटर में हमने यहाँ पर डीसी सप्लाई दिया हुआ है और डीसी सप्लाई ये आपका शाफ्ट है, इस पे ये माउंटेड है, स्लिप रिंग है, यहाँ पर शाफ्ट के ऊपर जो है स्लिप रिंग माउंटेड है और उसके ऊपर ब्रशेज लगे हुए हैं, राइट। और विद द हेल्प ऑफ ब्रशेज वी आर गिविंग सप्लाई फ्रॉम आउटसाइड, दिस इज फ्रॉम डीसी सोर्स। तो डीसी सप्लाई इसको मिलेगा थ्रू स्लिप रिंग और ये आपको मिलेगा यहाँ पर मैग्नेट को, कॉइल को ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। इसमें N और S फॉर्म होगा या मे बी यहाँ पर S और N फॉर्म हो, लेकिन ये चेंज नहीं होता है बिकॉज वी आर फीडिंग डीसी सप्लाई, राइट। तो ये जो है कांस्टेंट, अगर इधर N है तो ये N रहेगा और S है तो S रहेगा, यानी कि ये जो मैग्नेट बन गया जब तक सप्लाई रहेगा ये बना रहेगा, राइट। ओके, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो है आपका स्टेटर है, दिस इज स्टेटर, और ये आपका रोटर है। रोटर में एक स्लिप रिंग दिखाया हुआ है और एक शाफ्ट है। स्लिप रिंग को हमने डीसी सप्लाई, जैसा हमने यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस किया है, यहाँ पर देंगे तो ये जो है मैग्नेटाइज जाएगा। सपोज यहाँ पर एस फॉर्म हो गया यानी साउथ पोल, यहाँ पर हो गया नॉर्थ पोल। रोटर के जो है इसमें जो है एक जगह साउथ हो गया, इधर नॉर्थ हो गया, यानी कि अब ये मैग्नेट हो गया। जैसे हमने सप्लाई दिया थ्री फेज सप्लाई यहाँ पर हमने दिया, तो हम जानते हैं कि थ्री फेज सप्लाई में हमारा जो स्टेटर में मैग्नेटिक फ्लक्स जो यहाँ पर जनरेट होता है ये रोटेटिंग होता है, रोटेटिंग फ्लक्स यानी आर वाई बी। तो आपका जो है इस हिसाब से ये रोटेट होगा, राइट। तो जब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो इसका क्या आरपीएम होगा, कितने आरपीएम से रोटेट होगा, हमको पता है कि सिंक्रोनस स्पीड यानी एन एस इक्वल टू 120 एफ अपॉन टी। तो इसका जो नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, यानी कि जब हमने इसको बनाया हुआ है तो हमने पोल डिफाइन किए हैं कि एक टू पोल की मोटर है या फोर पोल की मोटर है या सिक्स पोल की मोटर है, एट पोल की मोटर है, ये हमने जैसा भी डिजाइन किया है वो जो है पोल से आप डिवाइड करेंगे 120 इनटू एफ। एफ जो है आपका फ्रीक्वेंसी है, जनरली हम जो 50 हर्ट्ज का सप्लाई इंडिया में यूज करते हैं, तो आपका हो जाएगा एनएस इक्वल टू 120 एफ। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए फ्रीक्वेंसी से एंड डिवाइड बाय पोल कर दीजिए, तो आपको सिंक्रोनस स्पीड इसका जो है रोटेटिंग फ्लक्स का मिल जाएगा, राइट। अब हमें देखते हैं कि हमने रोटर को भी सप्लाई दे दिया डीसी और स्टेटर को भी दे दिया, तो क्या होगा, क्या हमारा रोटर घूमना शुरू कर देगा? नहीं। क्यों? इसलिए नहीं घूमेगा क्योंकि इसमें जो है साउथ और यहाँ नॉर्थ पोल जो फॉर्म हो चुका है, क्योंकि इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है। सपोज यहाँ नॉर्थ था और यहाँ साउथ था, तो ये लॉक हो जाएगा, यानी जैसे हुआ, और आप देखें क्योंकि ये रोटेटिंग है, स्टेटर में हमारा जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो रोटेटिंग है, तो जैसे लॉक हुआ था ये घूमने की कोशिश ही करने वाला था, यानी हल्का सा जर्क लगा तब तक ये फिर साउथ हो गया, क्योंकि अल्टरनेटिंग है, यहाँ साउथ हो जाएगा तो साउथ है एंड साउथ विल रिपेल, फिर इसको पुश कर देगा, यानी कि इस कंडीशन में अगेन फिर ये नॉर्थ हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये नॉर्थ साउथ फॉर्म होता रहेगा और फाइनली क्या होगा कि ये इसको जस्ट हल्का सा मूवमेंट देगा और ये वाइब्रेट करेगा, इट विल नॉट रोटेट, इट विल जस्ट ओनली वाइब्रेट ऑन इट्स पोजिशन। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसीलिए हमको सिंक्रोनस जो है मोटर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें एक एडिशनल जो है प्राइम मूवर की जरूरत पड़ती है, यानी यहां पर हम कनेक्ट करके प्राइम मूवर हम क्या करेंगे, ये जो शाफ्ट है यहां पर प्राइम मूवर कनेक्ट करेंगे, प्राइम मूवर, और हम इसको घुमाएंगे, इसको घुमाएंगे अराउंड 80 to 85% स्पीड से हम जो घुमाएंगे
तो ये क्या होगा, इसका जो है ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इसके काफी नजदीक आ जाएगा और इसको लॉक कर लेगा। तो जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स का ये जो यहां पर बन रही थी फील्ड, इसको ये लॉक हो जाएगा, तो ये जो कैच करने के बाद इसका भी जो आरपीएम और आपका सिंक्रोनस जो आरपीएम था स्टेटर का, दोनों सेम हो जाएंगे और ये रोटेट करने लगेगा विद द सिंक्रोनस स्पीड, राइट। अब जो है जब ये रोटेट करेगा उस समय क्या होगा, आपका जो प्राइम मूवर है वो डीक्लच हो जाएगा और ये जो है ऑलरेडी सप्लाई आप कंटिन्यूअसली देते रहेंगे इसको डीसी सप्लाई और एसी सप्लाई मिलता रहेगा और ये लॉकिंग कंडीशन में रहेगा, यानी कि अब ये आपका सिंक्रोनस मोटर काम करेगा। इस पे जब आप लोड देंगे तो जो डिजाइंड है डिजाइंड लोड तक इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये जो है सेम आरपीएम से यानी कि रोटेट करता रहेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट आरपीएम। इसके आरपीएम को अगर हमें घटाना बढ़ाना है तो हम जो नंबर ऑफ पोल्स हैं उसको हम घटाते बढ़ाते हैं, राइट। ये जो नंबर ऑफ पोल्स हैं, अगर आपको हाफ करना है डिवाइड बाय, मतलब अगर फोर पोल यूज कर रहे हैं तो इसका जो है टू पोल से आरपीएम हाफ हो जाएगी, सिक्स पोल, एट पोल, लाइक दैट। हमें जो है डिजाइन के समय हमें देखना पड़ेगा कि हमें कितने आरपीएम की जरूरत है और उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं, राइट। तो ये पोल से जो है हम इसके आरपीएम को जो है घटा बढ़ा लेते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका सिंक्रोनस मोटर। नाउ क्योंकि हम जानते हैं इट इंप्रूव्स द पावर फैक्टर, ये पावर फैक्टर कैसे इंप्रूव करता है, पहले आप जान लेते हैं पावर फैक्टर है क्या। पावर फैक्टर, फैक्टर इज इट मीन्स इट इज रेशियो, रेशियो बिटवीन एक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर। इससे पहले हम जान लें पावर कितने तरह की होती है, टोटल पावर जो है तीन तरह की होती है, एक्टिव पावर एंड आप देख सकते हैं रिएक्टिव पावर और थर्ड इज अपरेंट पावर। एक्टिव पावर, रिएक्टिव एंड अपरेंट। तो एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर आई होप आप समझते होंगे, मैं आपको बता देता हूं एक बार कि अगर हम डायग्राम से देखें, इसको हम लेते हैं पी या आप बोल सकते हैं क्यू, कुछ भी आप मार्क कर सकते हैं, और यहां पर हम लेते हैं एस, इसको मार्क कर लीजिए आप क्यू, इसको मार लीजिए पी। तो ये आपका है एक्टिव पावर है, एक्टिव पावर, यहां पर आपका थीटा है, दिस इज एंगल, और इसको हम जो है डिनोट करते हैं, यानी कि क्यू का आप लिख सकते हो वी आई साइन फाइव, और ये आपका जो है P है VI cos phi, VI cos phi, और S इक्वल टू जो आपका आएगा VI वोल्ट एम्पियर, VI वोल्ट एम्पियर, राइट। तो इसमें जो है ये थीटा है, ये आपका थीटा है और VI cos phi, ये एक्टिव पावर है, ये आपका रिएक्टिव पावर है, and this is apparent power, this is apparent power, power, right। तो हमें क्या है power factor, यानी कि PF equal to active power, PF equal to active power upon apparent power, राइट। दिस इज एक्टिव पावर अपॉन अपरेंट पावर, सो वी कैन फाइंड आउट द हियर cos phi। नाउ क्योंकि किसी भी मोटर में हम जानते हैं कि उसमें वाइंडिंग्स होती है और वाइंडिंग होने की वजह से उसमें कुछ ही कुछ रेजिस्टेंस होता है, राइट। तो हमें एक्टिव पावर के साथ साथ में जो है किसी मोटर को रिएक्टिव पावर भी चाहिए, यानी कि उसका रिएक्टेंस जो है की वजह से, तो वो जो है जब आपका डिमांड करता है यानी कि ग्रिड से, तो उसमें एक्टिव और रिएक्टिव दोनों पावर चाहिए। तो रिएक्टिव पावर जो है हम सप्लाई करते हैं इसको अपने यहाँ एपीएफसी जो पैनल लगा रखा है, तो पैनल हमें जो है इसको सप्लाई करता है, और अगर हमें यूनिटी पावर रखना है तो हम उससे ले सकते हैं, अदरवाइज हम सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में इसको जो यूज कर सकते हैं। सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में यूज जब करते हैं तो जो रोटर है इसको हम एक्साइटेशन को बढ़ा के रखते हैं, एक्साइटेशन जब ज्यादा होता है तो रिएक्टिव पावर जो है सिस्टम को सप्लाई करने लगता है, राइट। तो इन प्लेस ऑफ पुटिंग एपीएफसी वी कैन यूज दिस सिंक्रोनस मोटर बाय इंक्रीजिंग द एक्साइटेशन, इट कैन वर्क एज ए सिंक्रोनस कंडेंसर, राइट। बट बिकॉज द इनिशियल कॉस्ट ऑफ दिस सिंक्रोनस कंडेंसर इज हाई,
So it is costly, and because it also consumes some energy in this, so it is costlier. But APFC panel, it is cheaper and it doesn't consume energy, and it's maintain the power factor step by step, because lot of bunches are connected, capacitors panels, in that so many capacitors are connected and they are put in and put out from the circuits. So accordingly it's maintain the power factor, right? So basically you can use synchronous motor as a synchronous condenser by increasing the excitation of this rotor, and it is supply jo hum de rahe uska excitation badha ke. Now कॉमनली यूज सिंक्रोनस मोटर में आती हैं आपका, हम जानते हैं कि सिंक्रोनस मोटर और भी चीजें जो है मोटर होती हैं, जैसे आपका वाउंड फील्ड, यानी कि हम रोटर को अगर वाउंड बना करके थ्रू स्लिप रिंग और थ्रू ब्रशेस हम सप्लाई देते हैं, तो उस तरह के अरेंजमेंट को हम वाउंड रोटर के नाम से जानते हैं. और यहाँ पर हम जो है इसकी बजाय हम परमानेंट मैग्नेट को भी यूज कर सकते हैं. परमानेंट मैग्नेट, इसका जो स्ट्रेंथ कॉन्स्टेंट होता है और ये आपको प्राइमर से घुमाएंगे, लॉकिंग हो जाएगा, एंड फाइनली लॉक होने के बाद क्या है कि उसको कांस्टेंट जो आपका सिंक्रोनस आरपीएम से घूम रहा था उसको कैच कर लेगा और उस हिसाब से उसको मेंटेन करेगा, राइट? तो ये तो हो गया परमानेंट में. बट उसका एक ड्रॉबैक ये है कि परमानेंट अगर हम रोटर का जो है मैग्नेट यूज कर रहे हैं तो वी कैन नॉट यूज दैट एज ए सिंक्रोनस कंडेंसर. ओके, नाउ फॉर द स्मॉल मोटर्स फॉर सिंगल फेज वेयर वी डोंट रिक्वायर टू गिव एनी सप्लाई टू द रोटर, they are basically reluctance motor or hysteresis motor. They are also synchronous motor, and but they are used for fractional, maybe in points 0.5 hp, 0.25 hp, like that. So there we are using reluctance motor as a synchronous motor, and aapka use karte hain hysteresis motor, right? In those rotors we don't need to give any external supply, right? So, ये वीडियो जो है रिलक्टेंस मोटर का और हिस्टेरेसिस मोटर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो कृपया जो है आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और लिंक जो है इसमें दिया हुआ है उससे आप जो है वीडियोस को देख सकते हैं. तो आई होप आपको जो है ये मोटर सिंक्रोनस मोटर क्लियर हो गया होगा. और इसमें फर्दर जो है अगर इसमें डैम्पिंग वाइंडिंग यूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, या इसमें हंटिंग हो रही है, तो उसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, राइट? थैंक यू वेरी मच. यदि आपको समझ में आया है तो आप जो है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद.